ये ना तो गजा है, ना वेस्ट बैंक है, ना ही लेबनान का कोई गली मोहल्ला है। ये इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन यूक्रेन है। ये यूक्रेन का लवीव शहर है। ये जेलेंस्की का सबसे सुरक्षित किला है। ये यूक्रेन की तरफ से पोलैंड यानी नेटो की तरफ जाने वाला एंट्री गेट कहा जाता है और ये शहर जल रहा है। पुतिन ने 3 दिन के अंदर 3 बड़े हमले किए हैं। पहला हमला डोनेस्क के पास पोक्रस्क पर, दूसरा हमला खार्किव के पास पोल्तावा पर और तीसरा हमला पोलैंड के दरवाजे लवीव पर किया है। यानी पुतिन ने अपने प्रहार में पी फैक्टर दिखा दिया है। अब दिन में देखिए लवीव का हाल। इस ड्रोन वीडियो को देखकर न सिर्फ जेलेंस्की घबरा गए हैं बल्कि व्हाइट हाउस में भी पैनिक है, क्योंकि पुतिन ने सोच लिया है कि बिना रुके मारूंगा और गिनूंगा भी नहीं। सिर्फ इमारतों का फर्क है, गाजा में भी जब इजराइल बम गिराता है तो रिहायशी इलाके ऐसे ही जलते हैं। इसे आप पुतिन का गुस्सा कह सकते हैं, इसे आप पुतिन का बदला कह सकते हैं, इसे आप पुतिन का प्रहार कह सकते हैं। पुतिन बता रहे हैं कि यूक्रेन का कोई इलाका, कोई कोना ऐसा नहीं जहां उनकी मिसाइल नहीं पहुंच सकती। इस हमले में 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 बच्चे हैं। 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। 70 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। लाशों को निकाला जा रहा है। पूरा शहर दहशत में है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि रूस का हमला यहां भी हो सकता है और इतना खतरनाक हो सकता है। Дуже великі руйнування, більше 70 будинків по місту. Це все є історична спадщина. Тривають розбори завалів. Лвів के बाद पुतिन का दूसरा टारगेट देखिए, ये है पोल्तावा। पोल्तावा पर हुए मिसाइल हमले में 51 लोगों की मौत हो चुकी है, 275 लोग घायल हुए हैं। ये शहर खार्किव के बाद पुतिन के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है, इसीलिए रूस ने पोल्तावा पर अचानक 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। देखिए इन बिल्डिंग्स का हाल, लगता है ना गाजा जैसा इलाका। इमारतें जल रही हैं, पूरा इलाका खाली हो चुका है और यह हाल 2 बड़े मिसाइल अटैक के बाद हुआ है। Передусім щодо трагедії в Полтаві, рятувальні роботи зараз ще тривають, розбирають завали, залучені всі служби. Станом на цей час кількість поранених 271. Усім надається необхідна допомога. Ми бачимо уже пряму вовлеченість Запада в конфлікт на Україні. Колективний Запад є буквально главним заказчиком, главним підстрекателем воєнної агресії київського режиму. І все більш відкровенно, все більш нагло демонструє своє пряме участь. Полтава – вот шахер, що зараз юд на фронтлайні, але Харків близько. और यही वजह है कि पुतिन ने यहाँ मोर्चा खोल दिया है। वो यहाँ पर ऐसी मिसाइलों से हमला कर रहे हैं जिसे रोकना जेलेंस्की के बस की बात नहीं मानी जाती। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पोल्तावा के लिए भयानक दिन रहा। एयर रेड सायरन और मिसाइल हमले के बीच में इतना कम वक्त मिला कि लोग बॉम्ब शेल्टर में जाने के दौरान भी घायल हो गए। ऐसे शहरों को टारगेट करने के लिए पुतिन अब अपनी खतरनाक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। 500 किलोमीटर रेंज वाली इस्कंदर मिसाइल जहां गिरती है वो 700 किलो वाले विस्फोटक से धमाका करती है। इस मिसाइल से यूक्रेन में सबसे ज्यादा हमले अंजाम दिए गए हैं। ये मिसाइल जहां गिरती है वहां ये हाल होता है। यूक्रेन का दावा है कि ये मिसाइल क्राइमिया से दागी गई, जहां से पोल्तावा की दूरी 400 किलोमीटर है। अब सवाल उठ रहा है कि पुतिन ऐसे शहरों को टारगेट क्यों कर रहे हैं जो डायरेक्ट फ्रंटलाइन पर नहीं है। यानी पोल्तावा के अलावा पोक्रस्क और पोलैंड के करीब लवीव को क्यों टारगेट किया गया है, वो भी ऐसी बमबारी के जरिए जिसे देखकर यूक्रेन के सैनिकों के पैर कांपने लगे। रूस अब छोटे शहरों पर बड़े हमले क्यों कर रहा है, तो इसका जवाब सारातोव में हुए अटैक से मिल सकता है। 26 अगस्त को यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के सारातोव में एक बिल्डिंग पर हमला किया था। जेलेंस्की का ड्रोन रूस के सारातोव शहर में पहुंचा और फिर इस रिहायशी बिल्डिंग से जा टकराया। इस बड़े धमाके ने मॉस्को तक रूस को हिला दिया था। एक बार फिर देखिए किस तेजी से ये ड्रोन बिल्डिंग की तरफ बढ़ा और फिर ऐसे ही धमाकों का जवाब पुतिन अब पोल्तावा, पोक्रोस्क और पोलैंड के करीब
लवीव शहरों पर हमले से दे रहे हैं। पुतिन के गुस्से वाले मीटर की सुई लाल सिग्नल देने लगी। अब आप कह सकते हैं कि पुतिन का अटैक मीटर लाल सिग्नल दे रहा था। पुतिन ने सारातोव में हुए हमले के बाद अपनी वॉर बैटरी फुल रिचार्ज की और बता दिया कि रूस वक्त आने पर कैसा जवाबी हमला करता है। не заинтересованы в прекращении боевых действий. Поэтому они учинили вот эту провокацию в Курской области. А до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области. Саратов में हुआ हमला ऐसा था कि 38 मंजिला बिल्डिंग के 3 फ्लोर को नुकसान पहुंचा। इस हमले के बाद बिल्डिंग के नीचे नुकसान देखा जा सकता है। मलबा बहुत गिरा, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पैनिक ऐसा मचा कि सारातोव के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। आसपास से फ्लाइट का गुजरना रोक दिया गया। ठीक इसी वक्त एक ड्रोन एंगल्स एयरफील्ड के पास एक इमारत की छत से जा टकराया। ये भी यूक्रेन का ही ड्रोन था जिसके निशाने पर एंगल्स एयरबेस था। इसके बाद 2 सितंबर को बेलग्रद पे हमला हुआ। यह आग यूक्रेन के हमले के बाद लगी है। कई घरों को नुकसान पहुंचा, बहुत से लोगों की घायल होने की खबर है। ये इलाका यूक्रेन बॉर्डर के करीब है और यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से सबसे ज्यादा हमले भी हुए हैं। इसीलिए जेलेंस्की ने पुतिन को मजबूर कर दिया कि वो अपने विकल्प तलाशें और फिर विकल्प के तौर पर पुतिन को उनके कमांडरों ने 3 शहरों पर हमले का सुझाव दिया। इसके बाद पुतिन ने 3 दिन के अंदर 3 बड़े हमले किए हैं। पहला हमला डोनेस्क के पास पोक्रोस्क पर, दूसरा हमला खार्किव के पास पोल्तावा पर और तीसरा हमला पोलैंड के दरवाजे लवीव पर किया है। इसे ही युद्ध में नेटो के खिलाफ पुतिन के प्रहार का पी फैक्टर कहा जा रहा है।